मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी दुआएं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहे, खुश रहें, आबाद रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी, क्विक और टेम्पटिंग सी स्वीट डिश जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, इसका नाम है ओरियो केक। जी हाँ, और ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में बनता है और बहुत टेम्पटिंग होता है, किड्स का तो मोस्ट फेवरेट है। और इसके इंग्रेडिएंट्स वेरी 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 सिंपल। मैंने यहाँ पे लिया है ये ओरियो केक, ओरियो बिस्किट्स, एंड आई एम टेकिंग द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। यू कैन टेक एनी फ्लेवर जो होता है, चॉकलेट वाला भी, सो वॉट एवर, बट आई एम टेकिंग हियर द स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। यहाँ पे जाएगा ये मिल्क और ये थिकन क्रीम है फॉर द डेकोरेशन पर्पस। ओके, नाउ आई एम मेकिंग फॉर द 1 पर्सन, सो फॉर दिस आई एम टेकिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 ओरियो फॉर 1 पर्सन। अगर आपको करना है तो यू हैव टू टेक 6 ओरियो बिस्किट्स एंड 1 कप ऑफ मिल्क। ठीक है, अब हमने इसको कर देना है 1 कप ऑफ मिल्क में। और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इसको हमने इस तरह से तोड़ तोड़ के इसको और दूध को ब्लेंड करना है फिर, सही है? तो मैं इसको तोड़ती हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करता ताकि जो ओरियो बिस्किट्स हैं इसमें अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए। जी वैसे देखिए, आई हैव मिक्स द बिस्किट, द ओरियो एंड द मिल्क टुगेदर वेरी वेल। और जो थोड़ा बहुत ही इस तरह से है तो दैट्स ओके, इसको आप और अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको माइक्रोवेव में रखना है फॉर 1 मिनट। तो चले मैं इसको माइक्रोवेव में रखती हूँ। जी वैसे देखिए, अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखने जा रही हूँ एंड आई विल पुट इट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद ये हमारा जो केक है यम्मी सा डिलीशियस और रेडी हो जाएगा। ये मैंने रख दिया है एंड नाउ अब मैं इसको करूँगी 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो चले मिलती हूँ 1 मिनट में। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये ओरियो केक बिल्कुल रेडी है ओनली विद द 2 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, और ये बहुत टेम्पटिंग होता है, बहुत मज़े का होता है। इसको मैंने 2 बिस्किट से डिकोर कर दिया है। अच्छा, इसकी शेप जो है ना वो आपको रेगुलर एक होता है ना जो हम लोग बनाते हैं उसमें मोड में, उस तरह से नहीं आएगी, ये ऐसे ही आएगा। और सेकंड ये कि जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा उस वक्त ये बहुत थोड़ा सा हिलता जुलता सा होगा, आपने वेट करना है एटलीस्ट 5 मिनट्स, तो ये कूल डाउन हो जाएगा और फिर ये इस तरह से सेटल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें ओरियो डाल दिए हैं। लास्ट में हम इसको डेकोरेट करेंगे क्रीम से और क्रीम के साथ इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। तो ये आपकी मर्जी है, जितना आपको खाना हो इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको पता है बच्चों के तो फेवरेट होते हैं चीज़ क्रीम और इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया, देखें। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप के यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ गिव ट्राई दिस रेसिपी एंड दिस इज़ वेरी इजी क्विक, एंड इफ़ यू लाइक रियली गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज एवरी टाइम आई ब्रिंग वेरी इजी क्विक एंड मोस्ट बेस्टिंग रेसिपीज फॉर यू गाइस। ठीक है, चले इंशाल्लाह ताला चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों को सबका बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।